एनसी ट्री की धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल पर। बेसिकली गाइस आज हम बात करने वाला हूँ यूनियन बैंक के बारे में, जो कि पूरी मैं यूनियन बैंक का जो यू मोबाइल एप्लीकेशन है उसके बारे में आपको पूरा फुल रिव्यू दूंगा कि उसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाला और क्या क्या आपका अच्छा है उस पूरी एप्लीकेशन में। उससे पहले आपसे चैनल पर नए आए जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाला बेल आइकन को प्रेस की ताकि मिलता रहे आपको नया नया वीडियो का अपडेट। सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस चलो हम चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन की ओर और दिखाता हूँ क्या क्या यू मोबाइल एप्लीकेशन में फैसिलिटी मिला है। उससे पहले गाइस इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिए ताकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की ओर। तो गाइस मैं फाइनली यू मोबाइल एप्लीकेशन को मैं ओपन करके रखा हूँ, उसको मैं अलाउ मैं यानी चालू करके रखा हूँ पहले से, एम पिन ओपन डाल दिया हूँ। उसके बाद फाइनली उसको आएगा प्रोसेस में शुरू कर देगा। गाइस मैं बता दूँ इसका स्क्रीन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं दूसरे मोबाइल से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको थोड़ा तकलीफ होगा देखने में, बट मैं कोशिश करूँगा आप सबको समझाने के लिए। तो गाइस इधर आपको फिंगरप्रिंट अलाउ है आपको मोबाइल, तो आप इसको यस कर दीजिए ताकि मैं इसको मेरे मोबाइल में फिंगरप्रिंट है। चलो फाइनली इसको यस कर देता हूँ। तो फाइनली मैं गाइस इस पर करने के बाद आपको फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा। चलो फाइनली इस पर फिंगरप्रिंट मैं लगा देता हूँ। तो गाइस जैसे मैं फिंगरप्रिंट लगाता हूँ देखेंगे आपका सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें गाइस पूरा फैसिलिटी आपको जो यू मोबाइल एप्लीकेशन में दिया गया है। तो गाइस आपको थ्री डॉट पर चलो क्लिक करना है। चलो मैं फाइनली थ्री डॉट पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस जैसे आप थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं तो आपको देखेंगे आपका सामने ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें गाइस आपको सेटिंग में जाना है। सबसे पहले अगर आप सेटिंग में जाते हैं, अगर आपको जो भी फैसिलिटी बहुत सारा मिल जाएगा, जिसमें गाइस आपको पहले डेस्कटॉप पर जो आपको पहले मिलेगा जब आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, आपको इसमें मिल जाएगा ये ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप सबका मनी ट्रांसफर, फंड ट्रांसफर जितना भी रहता है सब ऑप्शन मिल जाता है। गाइस ये बहुत सारा एप्लीकेशन मैं देखो से बहुत अच्छा है हमको मिला है, जिसमें सबसे बेटर जो मैं मानूंगा तो यू मोबाइल का एप्लीकेशन बहुत बेस्टर है। तो उसके बाद इसमें एक ऑप्शन दिया गया है भारत क्यूआर कोड का, इधर देखें स्कैन एन पे, यानी इधर से आप लोग क्रेडिट कार्ड का मनी भी ट्रांसफर कर सकते हैं भारत क्यूआर कोड को स्कैन करके। उसके बाद एक दिया गया NFC का, वो इसमें एक्सेप्टेड नहीं है मेरे मोबाइल में, कि अगर आप सबको एक्सेप्टेड रहता तो इसमें से यूज कर सकते हैं। चलो क्या फैल से एक बार थ्री डॉट पर क्लिक कर दूंगा। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद देख पाएंगे जो ढेर सारा ऑप्शन दिया गया है, जिससे ऑफर भी आपका रहेगा, तो इस मैसेज गाइस देख पाएंगे आपका मैसेज भी रहेगा, यानी आपका बैंक बंद है या चालू है तो इधर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद पासबुक का मिल जाएगा, कैलकुलेटर का मिल जाएगा, सेटिंग का मिल जाएगा, इनबॉक्स यानी कुछ जो मैसेज आता हो वो इनबॉक्स का मिल जाएगा। उसके बाद ऑफर क्या है आपके मोबाइल पर वो भी आपको मिल जाएगा, यानी आपके बैंक के ऑफर क्या आया है लोन वोन के लिए, आप ऑफर भी इधर से मिल जाएगा, जो भी फैसिलिटी आपको इधर मिल जाएगी। चलो फिर मैं सेटिंग पर क्लिक किया एक बार, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद इधर देखें अगर आपका फिंगरप्रिंट आप जैसे ऑन में करके रखा हूँ क्योंकि मेरा फिंगरप्रिंट इसमें लगा है। उसके बाद लैंग्वेज चेंज पिन कर सकते हैं, चेंज ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, रिसेट पिन कर सकते हैं, मैनेज पे कर सकते हैं। तो क्या आप देखेंगे फाइनली मैं पे पे क्लिक किया, तो अभी पे पे क्लिक करने का गया आप इधर देख सकते हैं किसी भी मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा, किसी बैंक अकाउंट का आपका नंबर है या नहीं है तो कोई फर्क नहीं, आप मोबाइल नंबर से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो गाइस फैली इधर देख पाएंगे एक मैनेज पे एक ऑप्शन देगा। चलो फैली मैं एक बार मैनेज पे पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखो मैनेज जो अगर आप लोग कोई पेमेंट किए हैं अगर उसका आप ट्रांजेक्शन चाहते हैं कि फेल हुआ है, कैंसिल हुआ है, कंप्लीट हुआ है या पेंडिंग में है, तो आप सब इधर से उसका भी ट्रांजेक्शन पा सकते हैं, जो कि इधर आपको पूरी फैसिलिटी दिया गया है। तो गाइस काफ़ी हमको जो इसमें फैसिलिटी दिखा हमको बहुत अच्छा दिखा। अगर आप लोग का कोई UPI ID ब्लॉक हो चुका था आप उसको भी इधर से अनब्लॉक कर सकते हैं, जो कि मेरा अभी फिलहाल में कोई अनब्लॉक नहीं हुआ था, हमको पूरे मतलब क्लियर दिखाई दे रहा था। कहिए देखिए मेरा कुछ भी अनब्लॉक मतलब ब्लॉक कुछ भी नहीं है मेरा, सब अनब्लॉक किया हुआ है। कहिए जो भी आपको फैसिलिटी दिया गया है यू मोबाइल एप्लीकेशन में दिया गया है, जो कि अच्छा दिया गया है, जो कि आपको कुछ में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अगर हम लोग इधर से मनी ट्रांसफर भी करते हैं आपको एक रुपया चार्ज भी नहीं लेगा। कहीं इधर से आपको पासबुक पर अगर आप देखना चाहते हैं आपको फाइनली पासबुक पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर देना है, जो मैं सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस जैसे आप सेविंग अकाउंट पर क्लिक करते हैं इधर देखेंगे आपका एक फिर से आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको बैंक कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं बैंक कोड सेलेक्ट करने के बाद आपको गो पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं गो पे क्लिक कर दिया। गाइस जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे तो आप इधर देखेंगे आपका जितना भी ट्रांजेक्शन किए पूरे साल शो हो जाएगा, जितना भी ट्रांजेक्शन किया था वो ट्रांजेक्शन सब मेरा शो हो गया था, आपका भी सब ट्रांजेक्शन शो हो जाएगा। तो क्या जो भी आपका अगर कोई फॉल्ट है या नहीं आपको मालूम पड़ा कि मेरा पेमेंट नहीं आया था, आप लोग जैसे ट्रांजेक्शन है पासबुक में आकर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग ये स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, चाहे आप अपना मेल पे लीजिए या तो इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में खुद देख सकते हैं। तो ये काफ़ी सारा इसमें फैसिलिटी दिया गया है, जिसमें गाइस उसके बाद में आएगा प्रोसेस अगर मैं जान लूँ तो चलो मैं आएगा प्रोसेस भी जान लेते हैं। गाइस इसमें देखेंगे जो भारत क्यूआर कोड के बारे में आपको बतला दिया, अगर आप सब स्कैन करेंगे और उसके बाद स्कैन करके भारत क्यूआर कोड के थ्रू आप लोग क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप लोग को UPI भी स्कैन इधर कर सकते हैं, अगर आपके पास UPI क्यूआर कोड है तो वो भी इधर से आप लोग स्कैन कर सकते हैं और भारत क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं, इसमें दोनों भी एक्सेप्टेड है।
तो गाइज उसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं रिचार्ज का, बिल पेमेंट का, तो चलो मैं पहले बिल पेमेंट पे कर दो। गाइज जैसे आप इंस्टेंट भी बिल पेमेंट कर सकते हैं, तो इस पर आपको इंस्टेंट पे क्लिक करना है, उसके बाद कैटेगरी में जाना है, उसके बाद आपको जो भी पेमेंट यानी इंश्योरेंस बिल पेमेंट करना है या पोस्ट पेड का, इलेक्ट्रिक का, जो भी करना है जैसे आपका इलेक्ट्रिक पे क्लिक करने के बाद आपको चलो मैं पहले मोबाइल नंबर पर अपडेट दिखा लेता हूँ। जैसे मोबाइल नंबर पर क्लिक किया, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद ये देखेंगे आई का जो प्रोसेस है अमाउंट वाउंट डाल के उसके बाद प्रोसेस कर सकते हैं। फाइनली जैसे मोबाइल नंबर भी रिचार्ज आपका हो जाएगा, जो कि गाइस आपका बहुत सारा जो देखेंगे ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको, तो आप जो ऑप्शन देख लीजिएगा, जो कि मैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो है आपका सब ऑप्शन इधर से ही मिल जाता है, जो कि आप डेस्कटॉप पे ही आपका मिल जाएगा। जिसके बाद आपको कस्टमर केयर का अगर सपोर्ट करना चाहता है, आपको कस्टमर केयर का नंबर भी कॉन्टैक्ट में जाएगा आपका मिल जाएगा। तो गाइस यही था एक यूनियन आई मोबाइल सॉरी यू मोबाइल एप्लीकेशन का रिव्यू। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो पसंद है जो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।